लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये टायर गया क्या? नहीं, वो गोली चला रहा है। जल्दी करो, जल्दी ए गाड़ी स्टार्ट कर। जल्दी कर, जल्दी जल्दी स्टार्ट नहीं हो रही। धक्का मार, धक्का मार। एक मिनट, स्टार्ट हो रही। ये सब क्या हो रहा है? वो कौन था? तू कौन है? मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। सीधा साधा आदमी? तो वो तेरे पे शूट क्यों कर रहा था? मुझे नहीं मालूम। ए मामू, तेरा कोई भाई लोगों से पंगा तो नहीं है ना? नहीं। भाई लोग बहुत डेंजर होते, तेरे साथ अपुन भी जाएगा, समझा? देख वो पीछे जीप आ रही है ना, उसमें जा। ये वही चीज़ क्या? अरे मर गया बाप। ए पतंग बली, ए प्रभु बचा मेरे को। ए तेरे को हनुमान चालीसा आता है क्या? गायत्री मंत्र आता है? मुझे नहीं आता है। अरे कोई भजन आता है तो गाना। तेरे साथ अब भी मरेगा। अबे हट। रुको भाई साहब, प्लीज मुझे हेल्प करो। ये हट कैसे? ऐसा क्या करते हो? अरे मेरे पीछे बताना बोला ना भाई साहब। अरे भागे थे, प्लीज हेल्प करो। गुड मॉर्निंग सेठ। आओ सेठ, क्या लाओ क्या? लो भाई। आओ आओ घनश्याम सेठ, कैसे हो तुम? तुम यहाँ? अपनी बीवी को फोन लगा बोल किडनैप हो गया है, 2 लाख रुपए कैश मांगता है, कैश समझा? लेकिन लेकिन क्या, पैसे लेता है फिर टाइम पे नहीं देता है? ए सर्केट, तू भी मामू है यार, तेरे को सिर्फ गन दिखाने को बोला था, तू अखी मुंबई में घुमा घुमा कर गोलियां चला रहा था, किसी को लग जाती तो? अरे भाई टेंशन क्या लेता है, नकली गोली है, लगे हम तो चटका लगे हैं खाली। अबे पीटी उषा, तेरे को बहुत भागने का शौक है। अभी देख, ये 2 इंच की दूरी से अगर मैंने घोड़ा दबाया ना तो ये नकली गोली भी बहुत डैमेज करेगी। क्या कौन हो तुम लोग? तेरे को वो बताया नहीं, सोशल वर्कर है रे, वसूली का काम करते हम लोग। अभी देख तेरे को उसका 2 लाख देने का है कि नहीं, बस देने का और घर जाने का, चल। मनीलाल जी ये गलत है, मैंने वक्त पे सारे पैसे तुम्हारे भाई को दे दिए थे। अरे मेरा भाई तो आधी मुंबई को चूना लगा के दुबई भाग गया है, अब तेरा उसके साथ में क्या कनेक्शन था? अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं, अपने को अपना पैसा चाहिए बस। लेकिन तुमने ही तो कहा था पैसे तुम्हारे भाई को दे दूं। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। ए तूने इसके भाई को पैसे दिए थे क्या? हाँ, पूछो उसे, पूछो। अरे ये क्या पूछेगा? ए मामू, तू बहुत बड़ा मिस्टेक किया। घनश्याम सेठ घर जा। ये ले, अपनी बीवी को फोन लगा। पर क्यों? ए अपना सर्किट फ्यूज नहीं करने का क्या? 6 फुट का एक आदमी ना, 2-2 फुट के 3 बना डालूंगा। चल फोन लगा अपनी औरत को और बोल तेरा किडनैप हो गया, 1 पेटी भेजने के लिए। एक पेटी किस बात का? क्योंकि तूने अपुन से रॉन्ग काम कराया, उस बात का। अपने बाबूजी कहते हैं बेईमानी करने का नहीं और सहने का नहीं। चल अब ईमानदारी से फोन लगा, चल। ये सर्किट एक अबर। हाँ भाई
पकड़ इसको। चुप। मुरली प्रसाद शर्मा का टेलीग्राम है। जल्दी खोल। अरे जल्दी करना, जल्दी कर। कब? शाम की गाड़ी से भाई। अरे बाप रे, मर गए। ए आलम, चल बनमारी का आवाज लगा। अरे बाबूजी आ रहे शाम को 5 बजे की गाड़ी से। बाबूजी तो हर साल जुलाई में आते हैं यार। अरे बाबूजी की बरसात थोड़ी है, जो जुलाई में आएंगे वो तो कभी भी आ सकते हैं। अरे बाबूजी आ रहे शाम को 5 बजे भाई। अभी कच्चे हो बेटा। माफ कर दो साहब, पर्स नीचे गिर गया था, मैं तो उठा के दे रहा था आपको। मैं पॉकेट मार रही हूं साहब। पॉकेट मारता है, मार साले को, पॉकेट मार साले को, 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 अरे क्या कर रहे हो, छोड़ दो इसे। क्यों मार रहे हो उसे? जेब से हमारी काटी है, पर्स ने हमारा चुराया है और आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। इसे तो मैं मारूंगा, आओ मेरे साथ। आप इन लफंगों को नहीं जानते साहब। हमारे हवाले कर दो, अभी ठीक कर देंगे। बोल, कर दूं इनके हवाले? नहीं साहब। जानते हो ये कौन है? ये हमारे देश की जनता है, जनता। इनके चेहरे देखे, कितने गुस्से में है। कोई बीवी से लड़कर आया है, किसी का बेटा उसकी बात नहीं सुनता। किसी को अपने पड़ोसी की तरक्की से जलन है। कोई मकान मालिक के ताने सुनकर आया है। सरकार के भ्रष्टाचार से लेकर क्रिकेट टीम की हार तक हर बात पे नाराज है, लेकिन सब चुप है, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। और ये सारा गुस्सा तुझ पे निकालेंगे, कर्दून के हवाले, सर फोड़ देंगे तेरा। नहीं साहब, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई साहब। भाई कहीं दिख नहीं रहे। अरे चलना। अच्छा भाइयों, इसे इसका सबक मिल गया, अब आप अपने कामकाज पे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, धन्यवाद। देखो बेटे, ऐसे कामों से बहुत आसान है ईमानदारी से जीना, समझे? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, जीते रहो, जीते रहो। अभी तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुम जानते हो उसे? ये नहीं नहीं नहीं। कुली, देखो तुम्हें चोट लगी है, तुम हमारे साथ चलो, मेरा बेटा डॉक्टर है। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। क्या बाबूजी आ गए? अरे बाबूजी आ गए, चलो जल्दी करो, बाबूजी आ गए। बोर्ड नया लगाया बेटे ने। हाँ एकदम, टेलीग्राम मिलते ही। अरे माजी आइए ना, पढ़ो। अरे पढ़ो ना। अरे जल्दी पढ़ो ना, मुझे अपने बेटे से मिलना है। अच्छा मैं ही पढ़ देती हूँ। श्री हरि प्रसाद शर्मा चैरिटेबल हॉस्पिटल, इनका नाम है। बस खुश, पढ़ लिया अपना नाम, अब चलिए ना। सुनो, मेरा बेटा भी गाँव से भाग के आया था, अगर चाहता तो तेरे जैसा बन सकता था, मगर नहीं, उसने मेहनत की और डॉक्टर बना। चलो अंदर चलो। जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन्स। डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा ना। कहीं और जाते तो मुश्किल था, क्योंकि इस बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा के पास है। अरे बाबूजी आप आ गए। जीते रहो बेटे, खुश रहो। कैसी है माँ? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है बेटे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। अरे काय का ठीक है, दिन रात पेशेंट लोगों की सेवा करता है, खुद के लिए तो टाइम ही नहीं उसके पास। कर बेटे, ऐसे ही दिल लगा के लोगों की सेवा कर, बहुत पुण्य का काम कर रहा है। जी बाबूजी। अरे हाँ बेटे, जरा इसे देख, चोट आई है इसे। अरे चिंता मत कर, ठीक कर देंगे तुम्हें डॉक्टर साहब। डॉक्टर लोहाना, कट बहुत गहरा है, इमरजेंसी है, ट्रीटमेंट करो। फिकर करने की कोई बात नहीं, डॉक्टर लोहाना संभाल लेंगे। बाबूजी आप थक गए होंगे, जाके आराम कीजिए ना। अरे तुझे देखकर सब थकान दूर हो जाती है। चुप 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 क्या हुआ उसे? धुलाई। हां सिलाई, सिलाई मां स्टिचेस देते हैं तो दर्द होता है ना। मैं ले आई हूं, मैं ले आई हूं। किसे दो, किसे दो? पूरे 1,00,000 रुपए हैं, मेरे पति को जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। चुप चुप बोलो ना। मैं डॉक्टर है।
माफ कीजिए देवी जी, अगर सिर्फ पैसों से लोगों की जान बच सकती थी तो अमीर आदमी कभी मरते नहीं थे। सरकेश्वर समझा दो इन्हें। हाँ डॉक्टर। यस भाभी जी। भाभी चल चल चल, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इनके पति है बाबूजी, वजन इतना बढ़ गया था कि जान को खतरा था, ऑपरेशन करके सब चर्बी बाहर निकालनी पड़ी है। बराबर है ना पैसा? भाभी टेंशन नहीं लेने का, गाड़ी में बैठो आराम से, और बेटा साले को जल्दी भेज देना। हां फिकर नहीं, ये तेल तो चिंदी चौक से निकल जाते। अच्छा बेटा तू अपना काम कर। अरे पिछली बार जब हम आए थे तब भी आप यहीं थे, आप ठीक तो है ना? श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वो जो दायक बल चाहत बुद्धि तनु जान के हार्ट अटैक। डॉक्टर मोटी, माँ बाबू जी गंदर ले जाओ, जल्दी जल्दी नर्स डोर फॉर्म लाओ। क्या? अबे गधे कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू, और कोई बीमारी नहीं आती तुझे? जब भी देखो तो छाती पकड़े। मिश्रा जी को देखो, व्हाट अ नेचुरल एक्टर, 3 साल से लेट रहे हैं लेकिन आज तक बाबूजी को शक नहीं पड़ा। उल्लू चले खजूर, तेरा गेट पास आ गया, चल 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 तू कट ले। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? अरे तू नहीं समझेगा, ये बहुत लंबी स्टोरी है। भाई हर बार तुम्हारे को इतना दुख होता है, अपने को अच्छा नहीं लगता भाई। भाई तुम एक बार बाबूजी को बोल दो ना कि अपन डॉक्टर नहीं है भाई है, और वैसे भी ये शहर में तो भाई डॉक्टर लोग से ज्यादा तो भाई लोग का इज्जत होता है। सच्ची बाबूजी मर जाएंगे यार, 1 हफ्ते की तो बात है, जान दे यार। याद है माँ, वो मरगट के पास मैंने एक भूत देखा था। वो चंदू था, उसे नींद में चलने की आदत थी और बाबूजी ने छड़ी उठा ली थी। बेवकूफ, तू मरगट के पास गया क्यों था? मैं कितना डर गया था ना माँ। डर गया था, कांप रहा था। और तूने मुझे गले लगा लिया, फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई भूत मुझे नहीं डराएगा। क्या कहती थी तू उसे? जादू की झप्पी। जादू की झप्पी। उठ। क्या हुआ? उठ बोला ना, इधर आ। अब सच बता, बात क्या है? माँ अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो। क्या खिचड़ी पका रहे हैं दोनों माँ बेटा मिलकर? हाँ कुछ नहीं बाबूजी, गांव की याद आ गई थी। चल गांव और आके देख, गांव में सिर्फ मेरे बेटे की बातें होती हैं। गांव का सबसे शरारती लड़का शहर में आके इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। इतना भी शरारती नहीं था। हाँ शरारत तो मैं करता था, बागीचों से फल मैं चुराता था, लोगों की धोती में पटाखे मैं सुलगाता था। हाँ नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। वो क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, पगलाए गए। डॉक्टर बाबू कैसे हैं? ठीक है ठीक है। नारियल कैसे दिया? अरे मजाक करते बाबूजी, हम डॉक्टर बाबू से पैसे लेंगे क्या? बताइए कौन सा दूं, मलाई वाला पानी? सुनो भाई अगर पैसे लोगे तो एक मलाई वाला। नहीं नहीं पैसे नहीं लूंगा। तो फिर मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। एक नारियल देना। मलाई वाला 15 रुपए, पानी वाला 10 रुपए। माफ कीजिएगा, क्या मैं आपको जानता हूँ? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ डॉक्टर अस्थाना जी। शर्मा जी। बिल्कुल शर्मा जी, कैसे हैं आप शर्मा जी? आप जानते हैं एक दूसरे को? हाँ भाई, जब हमारे गांव में अस्पताल खुला था तो ये पहले डॉक्टर थे जो वहाँ आए थे, 2 साल रहे थे आप वहाँ पे। पर आप यहाँ? मेरा बेटा मुन्ना है ना, उसका अस्पताल है यहाँ। मुन्ना का अस्पताल? जी। मैं समझा नहीं। नहीं नहीं समझने की जरूरत ही ना है, बोलिए कौन सा नारियल दूं। एक मिनट, मुन्ना डॉक्टर बन गया? मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन मेरा बेटा डॉक्टर जरूर बनेगा। हाँ हाँ कहा था बाबूजी, कहा था। बोलिए कौन सा नारियल दूं, मलाई वाला दूं क्या? एक मिनट,
कमाल है, मेरे घर के इतने करीब आपके बेटे का अस्पताल और मुझे पता। अरे नहीं पता तो जाने दीजिए ना, उसका मेरे नारियल से क्या लेना देना। फाड़ देंगे आपका नारियल। सॉरी, सॉरी, चलिए मेरा घर यहीं करीब। चलिए चलिए। एक चीज समझ में नहीं आई जी, आपके बेटे का अस्पताल यहीं करीब में। हाँ। लेकिन यहाँ के सारे डॉक्टरों को तो केला दू। Get out!